डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बालसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर पार्ट चल रहा था फिनोल, और उसमें आपने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टी में फिनोल जो है वो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, फिनोलिक ओएस समूह के अभिक्रियाएं और बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएं चल रही थी, उसमें टॉपिक चल रहा था फ्रिश रीअरेंजमेंट। फ्रिश रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जो फिनोल होता है उस फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दे, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दे, तो वहां से मैथिल फेनिल एस्टर बन जाता है। अब इस मैथिल फेनिल एस्टर को क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 की उपस्थिति में यहां से क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो एसिटिल जो समूह है वो पुनर्विन्यासित होकर कहां पे आ जाता है, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर आ जाता है। यदि अभिक्रिया के अंदर तापमान का मान 333 केल्विन या कम होता है तो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, और यदि अभिक्रिया के अंदर तापमान का जो मान है वो 433 केल्विन या अबो होता है तो ऑर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है वो कहलाता है फ्रिश रीअरेंजमेंट। देखिए क्या होता है, इसमें फिनोल है, इसका नाम क्या है, फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, CH3C(CL), इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। यानी ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहां से क्या बन जाता है, मैथिल फेनिल एस्टर बन जाता है, यहां से HCl बाहर निकल जाता है। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl आउट हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या होगा, मैथिल फेनिल एस्टर बन जाता है, ये यहां से O C डबल बॉन्ड OCH3 फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जा रही है। तो यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, यहां पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा प्लस, यहां से OH बॉन्ड की रिएक्शन चल रही है, यहां से डिस्कनेक्ट हुआ प्लस, यहां पे क्या आया माइनस, H प्लस Cl माइनस, यहां से क्या बाहर निकल गया HCl। तो ये पॉजिटिव पार्ट है वो कहां पे जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव पार्ट के ऊपर जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है मैथिल फेनिल, और ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, एस्टर। एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है उसको कैसे शो किया जाता है, इस प्रकार से, यानी कि C डबल बॉन्ड दोनों वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं एस्टर। तो ये मैथिल, ये फेनिल, और ये क्या है एस्टर, मैथिल फेनिल एस्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा, यहां से मैथिल फेनिल एस्टर। अब यहां से मैथिल फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन में क्या कर दिया जाता है, यहां से गर्म कर दिया जाता है, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में यहां से क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो ये आपका जो एसिटिल समूह है यहां से क्या होता है, पुनर्विन्यासित होता है, पुनर्विन्यासित होकर कहां पे आ जाता है, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर आ जाता है। देखो यहां से क्या बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में, यहां से बनाता है OHC डबल बॉन्ड OCH3, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है यहां से ये OHC डबल बॉन्ड OCH3 और तो एसिटिल फिनोल। ये पूरा का पूरा क्या होता है फिनोल, ये ग्रुप कौन सा होता है एसिटिल, तो इसके रेफरेंस में कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ऑर्थो पे एसिटिल समूह है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो एसिटिल फिनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो एसिटिल फिनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा फिनोल, इसके रेफरेंस में पैरा पोजीशन पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एसिटिल, इसका नाम हो जाएगा पैरा एसिटिल फिनोल। तो यहां से क्या होता है, देखिए इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है वो कहलाता है आपका फ्रिश रीअरेंजमेंट। तो डियर स्टूडेंट यहां से देखिएगा कि फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो मैथिल फेनिल एस्टर बन जाता है। अब इस मैथिल फेनिल एस्टर को किसमें, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 की उपस्थिति में क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो ये एसिटिल जो समूह है वो पुनर्विन्यासित होकर कहां पे आ जाता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर आ जाता है। अब यहां आता है
यहाँ पे नोट डाल के ध्यान रखने, अब अगर और तो प्रोडक्ट बनेगा तो तापमान का मान 433 केल्विन या अबव होता है, और यदि पैरा प्रोडक्ट बनता है तो तापमान का मान 333 केल्विन या बिलो होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के ध्यान रखना है इसमें, यदि तापमान का मान 333 केल्विन या कम होता है तो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। यानी तापमान का जो मान है वो 333 केल्विन या कम होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। सेकंड पॉइंट में, यदि तापमान का मान 433 केल्विन या अधिक होता है तो ऑर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, यानी तापमान का मान 333 केल्विन या कम होता है तो पैरा बनेगा, और तापमान का मान यदि 433 केल्विन या अधिक होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। अब यहां से देखो ये पुनर्विन्यास के दौरान किस प्रकार से यहां पे बना है, इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूं, यानी इन बॉन्डों को इस प्रकार से दिखा सकता हूं। तो यहां से जो एसिटिल समूह का जो पुनर्विन्यास है वो ऑर्थो स्थिति पर पैरा स्थिति पर किस प्रकार हुआ है, तो यहां पे समझने के लिए देख सकते हैं मैकेनिज्म किस प्रकार की हुई होगी, यहां से क्रिया हुई है। यानी कि ये आपका फिनोल है, अब मैंने यहां से ये सी डबल बोन ओ सी एस्टर मैथिल फेनिल एस्टर जो बना था यहां से, अब इस ग्रुप का पैरा पे अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, एरो के ऊपर लिख रखा है तापमान कितना है 433 केल्विन, तो आपको पता है क्या बनाएगा, 433 पे ऑर्थो और 333 केल्विन या बिलो होता है तो क्या बनता है, यहां से पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद के रूप में बनता है। तो यहां से 333 केल्विन पे तो पैरा, तापमान का मान कितना रखते हैं 333 केल्विन, 333 केल्विन या कम होता है तो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनेगा। पैरा पे किस प्रकार जाएगा, देखो यहां से रीअरेंजमेंट के थ्रू पुनर्विन्यास, इसका क्या होने लग जाएगा पुनर्विन्यास होगा, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, फिर यहां पे प्लस आएगा तो ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट होगा, यहां पे क्या जाएगा माइनस, यहां पे क्या जाएगा प्लस, ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट होगा, यहां पे माइनस और ये प्लस, यहां पे क्या आएगा माइनस, देखो यहां से बॉन्ड टूटा यहां पे माइनस आएगा, यहां पे क्या है प्लस, स्टेबल होने के लिए यहां से बॉन्ड तोड़ा यहां पे माइनस, यहां पे क्या है प्लस, ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट हुआ यहां पे माइनस, यहां पे क्या है प्लस। अब ये जो प्लस आया है ये प्लस इस माइनस के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, माइनस के ऊपर जाके जुड़ेगा, तो देखिए यहां से इस माइनस पे क्या जुड़ गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री समूह। अब देखो यहां पे क्या है प्लस, यहां पे क्या है माइनस, प्लस माइनस के बीच में यहां पे क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, अब ये प्लस और ये क्या है माइनस, इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला यौगिक बन जाएगा। अब यहां से फिर पुनर्विन्यास होगा। अब देखो यहां से कार्बन कितने बॉन्ड बना, चार बना था, एक दो तीन, यहां पे क्या है एच, ये बॉन्ड यहां से वापस टूटा यहां पे माइनस, यहां पे क्या है प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूटा यहां पे क्या है माइनस, यहां पे क्या है प्लस, देखो ये प्लस वहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस माइनस के ऊपर, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये ऐसे कैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, ये डबल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ये वाला ऐसे कैसे रह जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब देखो ये माइनस ये प्लस इन दोनों के बीच में क्या बन गया बॉन्ड, ये माइनस और ये प्लस इन दोनों के बीच में क्या बन गया बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका पैरा एसिटिल फिनोल, पैरा फिनोल। यदि तापमान का मान कितना होता है 333 केल्विन, यदि तापमान का मान इस प्रकार से 433 केल्विन दिया हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा यहां से ऑर्थो,
OC OCS थे। तो देखो यहाँ से तापमान का मान एरो को लिख दिया 433 केल्विन। पुनर्विन्यास होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तापमान पे? ऑर्थो। देखो यहाँ से ये जो ग्रुप है आपका एसिड समूह है ये वाला कहाँ पे लाना है? ऑर्थो। यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा या माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस। ये प्लस कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस माइनस पे। देखो यहाँ से बन जाएगा आपका डबल, ये क्या है आपका सिंगल, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने सी डबल बॉन्ड हो सी एस थे। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? यहाँ से कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, इस H को खोल के लिख दे। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस। पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास। तो यहाँ से क्या आएगा? प्लस। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? एच प्लस। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? इस माइनस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये OH सी डबल बॉन्ड हो सी एस। यानी कि ये तो आपका पैरा एसिटिल फिनोल बन गया, और ये क्या बन जाएगा आपका? ऑर्थो एसिटिल फिनोल। इस यौगिक का नाम हो जाएगा पैरा एसिटिल फिनोल, और इसका नाम हो जाएगा आपका ऑर्थो एसिटिल फिनोल, ऑर्थो एसिटिल। इस प्रकार का जो रिअरेंजमेंट है वो कहलाता है आपका फ्रिस पुनर्विन्यास। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रिस पुनर्विन्यास में, कि जो आपका फिनोल है इस फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए? एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहां से? मेथिल फेनिल एस्टर बन जाता है। अब क्या करते हैं इस मेथिल फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 की उपस्थिति में क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। क्या होता है यहां से? एसिटिल जो समूह है वो पुनर्विन्यासित होकर कहां पे आ जाएगा? ऑर्थो पैरा स्थिति पर आ जाता है। अब ऑर्थो पे कब आता है और पैरा पे कब आता है, इसके लिए ध्यान रखना है यहां पे तापमान। यदि तापमान का मान 333 केल्विन या कम होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है यहां से? पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। और यदि तापमान का मान 433 केल्विन या अधिक होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑर्थो प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। तो देखो यहां से तापमान का मान 333 केल्विन लिया, यहां से क्या बन गया आपका? पैरा। और यहां से तापमान का मान आपने 433 केल्विन लिया है, यहां से क्या बन गया आपका? ऑर्थो एसिटिल। तो समझ में आ गया होगा इस प्रकार का जो रिअरेंजमेंट है वो कहलाता है फ्रिस पुनर्विन्यास। एक बार वापस देखें, फेनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो मेथिल फेनिल एस्टर बन जाता है, जिसे नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एसिटिल समूह पुनर्विन्यासित होकर कहां पे आ जाता है? ऑर्थो पैरा स्थिति पर आ जाता है। यदि तापमान का मान 333 केल्विन या कम होता है तो क्या बनता है? पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद। और तापमान का मान 433 केल्विन या अधिक होता है तो ऑर्थो प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। इस प्रकार का जो पुनर्विन्यास है उसे क्या कहा जाता है? फ्रिस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फ्रिस पुनर्विन्यास में कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलीकरण। देखिए इसमें क्या होता है फॉर्मुलीकरण में, फॉर्मुलीकरण का मतलब होता है फिनोल की जो बेंजीन रिंग है उस फिनोल की बेंजीन रिंग पर CHO समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉर्मुलेशन। यानी कि CHO समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है? फॉर्मुलीकरण कहलाता है। और वो कैसे जुड़ता है? देखिए फिनोल का जो फॉर्मुलीकरण होता है वो तीन अभिक्रियाओं के द्वारा समझेंगे यहां से। वो तीन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी बात करेंगे? गाटरमान अभिक्रिया, दूसरी राइवर्टिमान अभिक्रिया, और तीसरी पढ़ेंगे डफ रिएक्शन। तो यहां से जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्मुलीकरण, फॉर्मुलीकरण। फॉर्मुलीकरण का मतलब होता है CHO समूह का जुड़ना, फॉर्मुलीकरण कहलाता है। CHO समूह का जुड़ना फॉर्मुलीकरण कहलाता है। फॉर्मुलीकरण का मतलब यहां से क्या है? जो एल्डिहाइड समूह है उस एल्डिहाइड समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? फॉर्मुलेशन। अब फिनोल का जो फॉर्मुलीकरण है वो तीन अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाएगा। फॉर्मुलीकरण जो है कितने प्रकार से पढ़ेंगे यहां से? फॉर्मुलीकरण तीन अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, तीन अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। उसमें पहली बात कौन कौन सी तीन अभिक्रियाएं पड़ेगी? गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। दूसरी पड़ेगी यहां से राइवर्टिमान फॉर्मुलीकरण,
राइमर टिमान अभिक्रिया, और तीसरी पढ़ेंगे यहां से डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया। यानी फॉर्मेलीकरण का मतलब हो गया फिनोल की जो बेंजीन रिंग है उस पर CHO समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, फॉर्मेलीकरण। और फिनोल का जो फॉर्मेलीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से। तीन प्रकारों में तीन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, गाटरमान अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया। तो यहां से पहली बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया। अब इस गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें पहली बात कर रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए कि जो फिनॉल है उस फिनॉल की अभिक्रिया HCl एवं HCl का जो मिश्रण है उसके साथ ZnCl2 प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में करवाई जाएगी। तो वहां पे इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में एल्डिमीन बन जाता है, और उस एल्डिमीन का फिर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दे तो वहां से क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। यानी फिनॉल लेंगे, उस फिनॉल की अभिक्रिया HCl एवं HCN के मिश्रण के साथ ZnCl2 प्रेरक की उपस्थिति में अभिकर्त करवाएंगे तो मध्यवर्ती के रूप में एल्डिमीन बन जाएगा। एल्डिमीन का अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करवा दे, जल अपघटन करवा दे तो वहां से क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इस प्रकार की जो अभिक्रिया वो कहलाती है गाटरमान अभिक्रिया। देखिए कैसे बनता है गाटरमान अभिक्रिया, यानी कि ये आपका फिनोल है, फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, HCl प्लस HCN के मिश्रण के साथ। HCN को ऐसे लिख दे, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, ZnCl2 उत्प्रेरक का काम करता है यहां से, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो यहां से कैसे बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट हुआ, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ये प्लस यहां पे जुड़ जाएगा माइनस पे, और माइनस कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे प्लस पे। देखिए बन जाएगा आपका ClCH डबल बॉन्ड NH। यानी अब इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा दो, यहां से ClCH डबल बॉन्ड NH प्रेरक वही है ZnCl2 उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या करता है, यहां से पैरा पोजीशन से H निकाल देगा, यहां से H और यहां का भाई Cl आउट कौन हो जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। जब HCl बाहर निकल जाएगा तो CH डबल बॉन्ड NH से कहां पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन, पैरा पे जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका ये वाला, ये OH यहां पे जुड़ गया CH डबल बॉन्ड NH। इंटरमीडिएट यानी फिनोल की जो बेंजीन रिंग फिनोल है उस फिनोल की बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड NH समूह जुड़ जाए तो इस यौगिक का नाम होता है एल्डिमीन। इसका नाम क्या होता है, एल्डिमीन बनता है, किसके रूप में बनता है, इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में। अब इस एल्डिमीन का क्या करवा दिया जाए, यहां से हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए। मीडियम कैसा ले रहे हैं, यहाँ पे अम्लीय माध्यम H+ क्या सुपर है, यहाँ से एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो यहाँ से, तो हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो Ha+ ये OH- यहाँ से बॉन्ड टूटा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। देखो ये माइनस पे क्या जुड़ जाएगा प्लस, प्लस पे क्या जुड़ जाएगा OH-, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका ये वाला, OH ऐसे कैसे, यहाँ पे CH यहाँ पे जुड़ गया OH, डबल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल में, यहाँ पे क्या बन गया आपका NH2। फिर आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड उपस्थित है, एक बार वापस हाइड्रोलाइसिस करवा दे मीडियम वही ले लें एसिडिक HOH, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो ये प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ये OH ऐसे कैसे, यहाँ पे इस कार्बन पे ये CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है OH, ये NH3 बाहर निकल गया था। अब आपको पता है एक कार्बन पे दो OH है, तीन H समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं अस्थाई होते हैं, उस स्थिति में इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO समूह में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा CH, यानी कि बेंजीन रिंग पर CHO समूह जुड़ जाए, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। इस बेंजाल्डिहाइड के रेफरेंस में पोजीशन कौन सी कहलाती है, पैरा, पैरा पे कौन जुड़ा हुआ है OH, OH को नाम क्या बोल देते हैं हाइड्रोक्सी, इसका नाम बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बनता है, क्या बन जाएगा यहां से, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो यहां से क्या लिख रखा है गाटरमान रिएक्शन में कि जो फिनॉल है उस फिनॉल की अभिक्रिया HCl व HCl के मिश्रण के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो मध्यवर्ती के रूप में क्या बन जाता है यहां से एल्डिमीन बन जाता है। अब इस एल्डिमीन का क्या करवाते हैं यहां से अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, एक बार वापस देख लें। फिनॉल की अभिक्रिया HCl व HCl के मिश्रण के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मध्यवर्ती के रूप में क्या बन जाता है एल्डिमीन। इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। इसे गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है गाटरमान रिएक्शन। तो यहां से गाटरमान रिएक्शन इसके बाद में क्योंकि यहां पे फिनोल जो है फिनोल की जो बेंजीन रिंग है उसके पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है यहां पे CHO समूह जुड़ने के कारण यहां पे फिनोल का क्या हुआ है फॉर्मलीकरण हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।